टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। कोस्ट गार्ड में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुनवाई करते हुए सीजीआई ने केंद्र से कहा, अगर महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती है तो वे तटों की भी रक्षा कर सकती है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मुहर लगा दी है। शिंदे सरकार मराठा समाज को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देगी। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण दिया जाएगा। आईपीओ को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद आज मंगलवार को विभोर स्टील के शेयर ने बाजार में शुरुआत भी शानदार की। विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 180% से भी ज्यादा के बंपर प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। संदेश खाली केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की शुरुआती जांच बैठ गई है। सूत्रों की ओर से मंगलवार को बताया गया कि जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। फिलहाल जांच एजेंसी शाहजहां शेख की तलाश में जुटी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है, एक सकारात्मक पहल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़े। हम भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। कांग्रेस में नेताओं की बगावत की अटकलों के बीच पार्टी ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस के तमाम रणनीतिकारों की बैठक पीसीसी में होगी। राष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। सरकार मराठा आरक्षण पर कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश कर सकती है। राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से रायबरेली में यात्रा शुरू होगी। रायबरेली में करीब 1.5 घंटे की यात्रा के बाद राहुल गांधी लखनऊ जाएंगे। हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 20 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों ने यौन उत्पीड़न, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिन 62 महिलाओं की पश्चिम बंगाल की जेलों में डिलीवरी हुई है, उनमें 11 महिलाएं बांग्लादेशी की नागरिक है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज से पूरे बिहार की यात्रा पर निकल गए हैं। तेजस्वी की यह यात्रा 29 फरवरी को समाप्त होगी। तेजस्वी ने पटना से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की है। बारामती लोकसभा सीट से लगातार 2 बार अजीत पवार की भावनात्मक अपील के बाद अब शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी से बारामती सांसद सुप्रिया सुले का भी प्रचार अभियान शुरू हो गया है। शरद पवार ने अपने समूह को अगले आदेश तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने इसे कहा कि ये मतदाताओं की जीत हुई। दक्षिण गोवा के एक गांव में शिवाजी की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के विरोध को देखते हुए दक्षिण गोवा एसपी की तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। एआईएमआईएम चीफ असियुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाने का काम तो करते हैं, लेकिन यह कौन सी मोहब्बत है कि आप मस्जिद को हमसे छीनना चाहते हैं? यह कौन सी मोहब्बत है कि आप मस्जिद पर चादर तो चढ़ाएंगे लेकिन हमारी बच्चियों के सर से हिजाब को छीन लेंगे? होस्ट और एक्टर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले ऋतुराज सिंह का सोमवार और मंगलवार के दरमियान रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया। झलक दिखला जा के सीजन 11 से टीवी शो अनुपमा में रूपाली गांगुली के बेटे का किरदार निभाने वाले सागर पारिक बाहर हो गए हैं। सोनी टीवी का ये डांस रियलिटी शो अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ा है। शाहरुख खान और सलमान खान को साथ में देखने का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। जब से सलमान खान ने शाहरुख की पठान में कैमियो किया है, तब से फैंस को इंतजार है कि दोनों किसी फिल्म में एक साथ नजर आए। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। यशराज फिल्म्स बैनर के तले ये फिल्म बन रही है जिसमें सलमान और शाहरुख खान साथ में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड में इन दिनों खूब शहनाई बज रही है। साल की शुरुआत में आमिर खान की बेटी इरा खान ने बॉयफ्रेंड संग शादी की थी, तो वही 21 फरवरी को रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी गोवा में शादी के बंधन में बन जाएंगे। वही अब कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट की शादी को लेकर भी खूब चर्चे हो रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म एनिमल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये फिल्म जब से रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल ही मचाई है, साथ ही साथ अब ओटीटी पर भी इसका जलवा कायम है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।